नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। माँ का छीन लिया है, माँ का एक बेटा एक छीन लिया है डॉक्टर ने। आपसे रिक्वेस्ट है, आज ये माँ का बच्चा गया है, कल को और माँ का बच्चा नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से इस डॉक्टर को बराबर सबर दिखाओ। दोस्तों, खबर मीरा भाईंदर से। मीरा भाईंदर अंतर्गत मीरा रोड के भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में कल जो घटनाक्रम घटा, उस घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं तनाव सा माहौल पैदा हो गया। दरअसल मामला था भक्ति वेदांत हॉस्पिटल अंतर्गत ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इलाज में लापरवाही को लेकर एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से मिली जानकारी के अनुसार हर्ष नाम का एक बच्चा, उसको पेट में दर्द की तकलीफ की वजह से 4-5 दिनों पहले भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। 2 दिन में हॉस्पिटल में रखने के बाद में हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज दिया। बच्चे के माँ बाप ने बच्चे को घर पर लेके गए, लेकिन फिर अचानक बच्चे की तबीयत खराब हुई, तब उसको फिर एक बार भक्ति वेदांत अस्पताल में भर्ती किया गया और उसके बाद में उसकी हालत बिगड़ती गई, उसको वेंटिलेटर पर रखा गया। वेंटिलेटर पर रखने के बाद में आखिरकार बच्चे की जान निकल गई। इस पर परिजनों ने आरोप लगाया कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल अंतर्गत बच्चे को गलत इंजेक्शन दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, उसकी तबीयत बिगड़ी। अब चूंकि हम मेडिकल क्षेत्र से नहीं है और इस चीज़ की हम दावा नहीं करते कि ये परिजनों का आरोप सही है, लेकिन जब मामला इतना बड़ा है और मौत होने के बाद, बच्चे की मौत होने के बाद कई लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव तक कर दिया, जो आप वीडियोस में देख सकते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले में जांच की बातें उठी और जांच होनी भी चाहिए। हम ये नहीं कहते, जैसा मैं अभी बोल रहा था, हम ये नहीं कहते कि भक्ति वेदांत की गलती रही ही होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कहते कि परिजन का आरोप गलत है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में अगर वास्तव में कोई दोषी है तो उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन जांच होगी तब होगी। फिलहाल हम जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें देखिए कि क्या कुछ हालात उधर पैदा हो गए और किस तरह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इस मामले में दी। देखिए ये पूरा मामला स्थानीय मीडिया चैनल्स ने जो लोगों से बातचीत की, वो भी आप सुनिए वीडियो में आगे कि उनके क्या तर्क थे। अभी के लिए इतना ही। मैं उसकी माँ हूँ, सब माँ का विनती है, एक ऐसा केस आ गया है। देखो मेरा बेटा है ना, 1:30 बजे से पेट में दर्द कर रहा था तो इधर लेके आए और संजोनी में है ना, हम लोग में लेके गए, संजोनी में लेके गए तो संजोनी में केस नहीं लिया, हमारा केस नहीं लिया तो फिर हमारा उधर का संजोनी ने उधर इधर लिख के दिया तो हम लोग इधर आए तो डॉक्टर ने नहीं बोला, सिस्टर ने इंजेक्शन 9 लगा दिया और एक बार उधर वोमिट भी की और बोल रहे हैं नॉर्मल है बच्चा तो घर पे लेके जाओ। अभी कोई भी डॉक्टर ऐसा इतना बॉडी चेक करके भी बोलेगा और नॉर्मल हो और घर पे जाके 10 मिनट में बेहोश हो जाएंगे तो फिर 6 दिन हो गए अभी तक डॉक्टर ने कुछ होश भी नहीं आया और डॉक्टर ने क्या बोला, हम लोग को कुछ बीमारी का पता नहीं ऐसा चल रहा है। संडे से लेके आए ना, तब से हर बार वो लोग एक एक रिपोर्ट निकाले, बोलते पहला बोला फूड पॉइजन है, वो कुछ नहीं निकला, फिर बोला छाती में हार्ट में प्रॉब्लम है, वो भी कुछ नहीं निकला, फिर बोलते ब्रेन में सूजन है, वो भी कुछ नहीं निकला, लास्ट में वो लोग ने क्या बोला कि सांप ने काटा है, और अभी वो लोग ऐसा बोला कि सांप ने काटा है, हम लोग ने बोला उसका कुछ है नहीं, सांप काटा है तो डंग मारेगा तो 2 डॉट तो रहते हैं, वो भी नहीं है, तो लोग बोला बिना दूसरा आता है, दूसरा आता है उसका पता नहीं चलता है वो काटने से, ठीक है तो बोला 24 घंटे में होश आता है, तो हम लोग ने वो भी रखा और 24 घंटे में होश आता है बोला, वो भी यही कर दिया, फिर बोले 72 घंटे में होश आता है वो काटने से, विरार से कोई पेशेंट ऐसा आया था वो ठीक होके गया ऐसा डॉक्टर ने बोला,
ऐसा बोला तो हम लोग ने बोला ठीक है। फिर है ना हम लोग पूछते हैं क्या हुआ, ना सिस्टर जवाब देती है, सिस्टर इतना ए टू टेन दिखाती है अपना मरीज से, तो हम बोल सकते हैं ना। अभी हम आप नर्स हो तो मैं आपको नहीं पूछेगी, किसको पूछेगी, किसको पूछेगी, दूसरे को पूछेगी, जवाब ही नहीं देती है। और रिपोर्ट भी और ना डॉक्टर भी नहीं आया है, एक भी रिपोर्ट दिखाते नहीं हो लोग, बोलते नॉर्मल है नॉर्मल है। मैडम आई थी उसका हम लोग को पता नहीं, नाम उलिया हमको कुछ, हमारा दिमाग सुन नहीं कर रहा था। वो मैडम क्या बोली, वो मैडम वो डॉक्टर थी, वो बोली तुम्हारा बच्चे का हालत तुम लोग लाए ना, तभी वो क्या बोली तुम लोग लाए तो वो नहीं बराबर था, ऐसा वो डॉक्टर बोली। मैं थी, मेरा इसका हस्बैंड था, मेरा हस्बैंड था, वो बोला हम लोग ने पंप से नली डाल से उसका हार्ट चलने लगा, तो हम लोग ने वो लोग ने बोला तुम लोग आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, हम लोग ने किया आईसीयू में एडमिट। तब से वो लोग हर गला एक एक रीजन निकालते जा रहे, बीमारी का इलाज नहीं कर रहे, रीजन निकालते जा रहे, रिपोर्ट ही निकाल रहे। और मैडम एक बात है, यदि भक्ति विधान ट्रस्टी है तो मेरा ट्रस्टी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मजदूर आदमी छोटा आदमी जो भी आवे उसको बेकाम परेशानी नहीं होवे, और ट्रस्टी में सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है, जबकि बार बार हम माल लेते हैं उसमें पैसा कम है, दो दिन के अंदर ऑपरेशन के अंदर करके सब मिल जाता है। पंतु मैं ट्रस्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि कह रहे आपके जितना भी हो सके, जितने भी आज बॉम्बे के जितने भी आदमी है, डॉक्टर ही भगवान है, बच्चा नहीं रहा, माता छीन लिया है, माँ का एक बेटा एक छीन लिया है, डॉक्टर ने आपसे रिक्वेस्ट है, आज ये माँ का बच्चा गया है, कल को और माँ का बच्चा नहीं जाना चाहिए, इसकी वजह से इस डॉक्टर को बराबर सवाल दिखाओ। अभी आप देख ही रहे न्याय दिल्ली लेने के लिए क्या कर रहे हैं, सब जन बैठे हुए हैं, अगर इस पे न्याय नहीं मिलेगा तो महाराष्ट्र में उम्मन सेना कड़ी रूप धारण करेगा, इनके खिलाफ में आंदोलन करेगी। क्या झाले बोल दे, यहाँ सभी पार्टी के लोग जमा हैं वो बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए, क्या करेंगे आप अगर नहीं मानते हो? आप तो माहौल देख ही रहे, और अगर हम अच्छे से प्यार से उनको बोल रहे कि जो है सत्य घटना है जो उस काम को बताओ, अगर सच्चे घटना का अगर वो बताएंगे नहीं तो फिर आप देखेंगे मॉल क्या कर रही है। इसके लिए उनको इच्छा है कि डॉक्टर आए बाहर और बताए सत्य घटना क्या, क्योंकि उन्होंने एक स्टोरी बनाई है, उस स्टोरी सामने खड़ा की है। एक चार साल के बच्चे को तुम रिटर्न भेजते हो और सुई लगा के रिटर्न भेजते हो, और वहाँ पर जाने के बाद वो कोमा में चला जाता है, और ऊपर इससे आने के बाद पाँच दिन तुम हॉस्पिटल में कोमा में रख रहे हो, और बाद में बोलते कि उसको सांप ने काटा, ये सब झूठ है। अब जो सत्य घटना है वो हमारे सामने लाई है, नहीं लाएंगे तो फिर मॉल है वो क्या करेगा देखो फिर। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।